हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, अगर आप लोगों के सामने इस तरह के सेंटेंस आए तो आप कैसे बनाएंगे? ट्राई कीजिए। जैसे दरवाजा मत खोलो, यहां मत आओ, मुझसे बात मत करो, उसे मत समझाओ, उसे मोटिवेट मत करो, फैन रिपेयर मत करो, उसे मत उठाओ, मोबाइल ऑपरेट मत करो, मोबाइल पर गेम मत खेलो, उसे मत डराओ, उससे मत डरो, सुबह जल्दी मत उठो, एक्सरसाइज मत करो, उससे पैसे मत दो, उससे पैसे मत लो, किताब मत पढ़ो, इसे टच मत करो, या फिर कृपया यहां मत आना, कृपया उससे बात मत करना, कृपया उसे मत समझाना, कृपया उसे मोटिवेट मत करना, कृपया उसे डीमोटिवेट मत करना, कृपया ये पैसे मत उठाना, कृपया टीवी मत देखना, कृपया चैनल चेंज मत करना। तो दोस्तों, या तो सिंपल सेंटेंस आए आदेश देने के लिए कि वहां मत जाओ, ये आदेश है, कृपया वहां मत जाना मींस विनती के लिए, यहां मत आओ आदेश, कृपया यहां मत आना रिक्वेस्ट, उसे सलाह मत दो मींस आदेश, कृपया उसे सलाह मत देना मींस विनती। सो आदेश या विनती के लिए हम लोगों को अगर सेंटेंसेस बनाना हो और हिंदी वाले सेंटेंसेस के बाद में, जैसे यहां मत आओ, मत आओ मतलब मत आना है ना, वहां मत जाओ, मत जाओ मतलब मत जाना। तो जब हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में मत करो या मत करना ये शब्द आते हैं तो हम लोगों को इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होता है, जो कि एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इनको भी इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब किसी को आदेश देना हो, किसी से रिक्वेस्ट करना हो, तो उनके लिए हम लोग इंपरेटिव स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इंपरेटिव स्ट्रक्चर्स है, यहां मत आओ डोंट कम हियर, वहां मत जाओ डोंट गो देयर, उससे बात मत करो डोंट टॉक टू हिम, उसे मत समझाओ डोंट एक्सप्लेन हिम, उसे मोटिवेट मत करो डोंट मोटिवेट हिम, पैसा मत कमाओ डोंट अर्न मनी, उसे मत समझाओ डोंट एक्सप्लेन हिम, इसको समझने की कोशिश मत करो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फैन रिपेयर मत करो डोंट रिपेयर फैन, मैसेज मत भेजो डोंट सेंड मैसेज, किसी को बुरा भला मत बोलो डोंट से एनीथिंग बैड टू समवन, डोंट से एनीथिंग बैड टू समवन, नौकरी मत ढूंढो डोंट सर्च अ जॉब, उसे गाली मत दो डोंट अब्यूज हिम, ये आदेश देना है दोस्तों, है ना। दरवाजा मत खोलो, यहां मत जाओ, वहां मत आओ, उससे बात मत करो, उसे पैसे मत दो, यह है आदेश। लेकिन विनती की बात होती है तो उसी के आगे प्लीज लग जाता है, कृपया यहां मत आओ, प्लीज डोंट कम हियर, कृपया मुझे डिस्टर्ब मत करो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया दरवाजा मत खोलो, प्लीज डोंट ओपन द डोर, कृपया फैन रिपेयर मत करो, प्लीज डोंट रिपेयर द फैन, कृपया उसे गाली मत दो, प्लीज डोंट अब्यूज हिम, कृपया उसे बदनाम करने की कोशिश मत करो, प्लीज डोंट ट्राई टू डिफेम हिम, कृपया उसके इंसल्ट मत करो, प्लीज डोंट इंसल्ट हिम, कृपया क्रिकेट मत खेलो, प्लीज डोंट प्ले क्रिकेट, कृपया शोर मत मचाओ, प्लीज डोंट make a noise, कृपया लेटर मत लिखो, डोंट प्लीज डोंट राइट अ लेटर, कृपया उसे मैसेज मत भेजो, प्लीज डोंट सेंड मैसेज। तो दोस्तों, सेम चीजें हैं, अगर हम लोगों को किसी को आदेश देना है वो भी नेगेटिव सेंस में, यहां मत आओ सो डोंट कम हियर, लेकिन उसी से रिक्वेस्ट करना है नेगेटिव सेंस में कि कृपया यहां मत आओ, तो उसी के आगे बस प्लीज लग जाता है ना, वो सेंटेंस बोलने के सेंस से समझ में आता है कि वो आदेश है या वो रिक्वेस्ट है। जब हिंदी वाले सेंटेंस में मत करो या मत करना ऐसे सेंटेंस आए तो हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं। अब यहां देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, वहां मत जाओ, उससे बात मत करो, राम से बहस मत करो, उसे आश्वासन मत दो, उन्हें कमजोर मत समझो, अभी कमरे में मत आना, कृपया उसे मैसेज मत भेजना, कृपया वो किताबें मत उठाओ, कृपया झूठ मत बोलो, ऐसे वैरायटीज ऑफ सेंटेंस आपको मिलेंगे, आपको इसे स्ट्रक्चर में बनाना है। आइए समझते हैं कैसे, ट्रांसलेशन के माध्यम से। वहां मत जाओ डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, उससे बात मत करो डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो, राम से बहस मत करो डोंट आर्ग्यू विथ राम, डोंट आर्ग्यू विथ राम। आगे देखिएगा, उसे आश्वासन मत दो डोंट गारंटी हिम, गारंटी भी एक वर्ब है दोस्तों, है ना, डोंट गारंटी हिम, ठीक है, या डोंट एश्योर हिम भी बोल सकते हैं। उन्हें कमजोर मत समझो, कमजोर समझना मतलब होता है अंडर एस्टिमेट, सो डोंट अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट उन्हें, देम, सो डोंट अंडर एस्टिमेट देम, उन्हें कमजोर मत समझो, अभी कमरे में मत आना, सो डोंट कम इन द रूम नाउ, अभी कमरे में मत आना, डोंट कम इन द रूम नाउ, कृपया उसे मैसेज मत भेजो। अब ये रिक्वेस्ट वाली चीज होगी दोस्तों, प्लीज लगेगा, कृपया उसे मैसेज मत भेजो, प्लीज डोंट सेंड मैसेज टू हिम, लड़की है तो हर, सो प्लीज डोंट सेंड मैसेज टू हिम, अगर कोई लड़की है तो प्लीज डोंट सेंड मैसेज टू हर, कृपया वो किताबें मत उठाओ, वो किताबें, प्लीज डोंट पिक दोज बुक्स, पिक का मतलब उठाना, प्लीज डोंट पिक दोज बुक्स, कृपया उन किताबों को मत उठाओ, कृपया झूठ मत बोलो, ये भी रिक्वेस्ट है, प्लीज
टेल अ लाई, कृपया झूठ मत बोलो। आइए कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं, जैसे किसी को बदनाम मत करो, प्लीज डोंट डिफेम किसी को, एनीबडी, प्लीज डिफेम एनीबडी, किसी से बदला मत लेना, प्लीज डोंट रिवेंज, प्लीज डोंट रिवेंज फ्रॉम एनीवन, एनीवन मतलब किसी से, एनीबडी लगाओ या एनीवन, एक ही बात है। उसकी बेइज्जती मत करो, डोंट इंसल्ट हिम, अगर कोई लड़की है तो हर, ठीक है। उसे डराओ मत, डोंट threaten him, threaten him, या इसकी जगह frighten भी लगा सकते हैं। So don't threaten him या don't frighten him। उन्हें पैसे उधार दो मत, मतलब देना मत। So don't lend them money, lend मतलब होता है उधार देना, don't lend them money, उन्हें पैसे उधार मत देना। कृपया उन्हें मत डांटो, request वाला sense है, please don't scold them, कृपया उन्हें मत डांटो। कृपया यह मूवी मत देखो, गंदी मूवी है, अच्छी नहीं है, प्लीज डोंट वॉच दिस मूवी, प्लीज डोंट वॉच दिस मूवी। कृपया अब रोना मत, प्लीज डोंट वीप नाउ, वीप नाउ, ठीक है। कृपया अब उस पर भरोसा मत करना, प्लीज डोंट ट्रस्ट इन हिम, कृपया उस पर भरोसा मत करना, प्लीज डोंट ट्रस्ट इन हिम नाउ। कृपया मुझे गलत मत समझना, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, गेट मी रॉन्ग, कृपया मुझे गलत मत समझना, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने डोंट वीवन देन ऑब्जेक्ट या प्लीज डोंट वीवन देन ऑब्जेक्ट, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको सेंटेंसेस के एक नए पैटर्न के बारे में जानकारी हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।